वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, कोरोना वायरस। दिस इज ए पेंडेमिक टाइप ऑफ वायरस, पेंडेमिक दे कॉल्ड पेंडेमिक डिजीज, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की हम लोग बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड में ये कोरोना वायरस हाईली इफेक्ट किया है और प्रेजेंट टाइम में भी कहीं ना कहीं क्या है, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन डेवलप हो करके अभी भी कहीं ना कहीं आपके क्या हो रहे हैं, सिम्टम आपके पर डे आ रहे हैं, उनके इन्फेक्शन आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग कोरोना पे पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपका कंसेप्ट कोरोना वायरस से रिलेटेड वेल क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो आपके जो है, जो यदि कोई स्टूडेंट गेट की तैयारी या नीट या कोई भी अनदर कम्पिटेटिव तैयारी सीएसआईआर नेट की कर रहा है, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, सब्सक्राइब करने के बाद ही आप इस पूरे वीडियो को देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले हम लोग बात करते हैं कि कोरोना डिजीज आखिर में है क्या, कोरोना डिजीज है क्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, COVID-19 इज एन इन्फेक्टियस डिजीज कॉज बाई द SARS CoV-2 वायरस। एक CoV-2 वायरस होता है, SARS ये आपकी क्या है, वायरस होते हैं जो आप क्या करते हैं, हाईली इन्फेक्टियस डिजीज की फॉर्म क्या होते हैं, ये आइडेंटिफाई किए गए। इसकी जो फैमिली होती है, जिसको हम लोग क्या होते हैं, कोरोना विरिडी के क्या होते हैं, दो आपके मेन जनरा होते हैं, कोरोना वायरस और टोरो वायरस। अब इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस कंटेन पैथोजन दैट मेनली इन्फेक्ट मैमल्स एंड बर्ड, कॉजिंग रेस्पिरेटरी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, जनरलाइज इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव। तो देखा जाए कि कोरोना वायरस जो आपके होते हैं, ये आपके क्या है, इन्फेक्ट करते हैं किसको, मेनली मैमल और बर्ड्स को, जो क्या कॉज करते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशूज होते हैं, रिप्रोडक्टिव इशूज, और आपके क्या है, जनरलाइज इन्फेक्शन भी आपके क्या होते हैं। टोरो वायरस की बात करते हैं, तो टोरो वायरस अभी तक ये रिपोर्ट किया गया, आइडेंटिफाई किया गया किसमें, हॉर्स में और कैटल्स में। ये भी आपके एसोसिएट किससे होते हैं, आपके डायरिया से एसोसिएट आपके होते हैं, ये कौन सकते हैं, टोरो वायरस। कोरोना वायरस की बात करते हैं, कोरोना वायरस आर इनवेलप 120 to 160 नैनोमीटर पार्टिकल डैट कंटेन अनसिगमेंटेड जीन ऑफ द सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस आरएनए 27 to 32 किलो बेस पे। तो इसमें हम लोग बात करते हैं, जो आपके कोरोना वायरस क्या होते हैं, तो इनवेलप्स होते हैं, 120 to 160 नैनोमीटर पार्टिकल की साइज आपकी होती है, अनसिगमेंटेड जीनोम होते हैं, जो सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव आरएनए मॉलिक्यूल्स आपके होते हैं, जिसकी जीनोम की साइज कितनी होती है, ये वेरी करती है 27 to 32 किलो बेस पेयर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोरोना वायरस। हम कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर की बात करें, तो देखा जाए अभी तक हम लोग क्या जानते हैं कि जो वायरस होता है, वायरस मेनली किससे मिलकर बनता है, न्यूक्लियो प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, कवर करता है कौन, प्रोटीन कैप्सिड। लेकिन अब जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके ऐसे वायरस आ गए हैं जो आपके उसके अलग आपके स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ये आपका कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस की बात करते हैं, जिसमें हम लोग इसकी बात करते हैं, ये आपका देखा जाए अंदर का जो पार्ट है, न्यूक्लियो प्रोटीन एंड आरएनए जीनोम। अब देखा, एक कैप्सिड हो गया और ये आपके क्या उसका जीनोम हो गया। लेकिन एक कैप्सिड और जीनोम के ऊपर भी क्या है, एक आपके लेयर होती है, इस लेयर को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्या बोला जाता है, मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन प्रोटीन से बॉन्डेड क्या होते हैं, स्मॉल इनवेलप स्मॉल मेम्ब्रेन प्रोटीन आपके होते हैं। और यहाँ पे देखा जाए स्पाइक ग्लाइको प्रोटीन होते हैं, ये देखा जाए आपके एक लार्ज स्पाइक दिख रहे हैं, लार्ज स्पाइक रियल में क्या होते हैं, ये आपके ग्लाइको प्रोटीन्स होते हैं। और एक आपका देखा जाए स्मॉल मेम्ब्रेन प्रोटीन आपके यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे देखा जाए एक अनदर आपके स्ट्रक्चर ब्लू कलर में दिख रहा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HE का मतलब आपका हो गया हिम एग्लूटिनिन स्टोरेज, ये आपका एंजाइम का नाम है, ये देखा जाए। तो ये देखा जाए जो कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है, काफी कॉम्प्लेक्स आपके होते हैं। द लार्ज प्लस स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम एसोसिएटेड विद द यन प्रोटीन टू फॉर्म द हेलिकल न्यूक्लियो कैप्सिड। अब हेलिकल न्यूक्लियो कैप्सिड का मतलब होता है, ये देखा जाए जितने भी आपके जीनोम आपके हैं, क्या है, एक दूसरे से क्या है, आपके कनेक्टेड है, तो कैसे हो गए, आपके हेलिकल टाइप हो गए, ठीक। द हेलिकल
निग्लोपोर्टिन इज 9 to 11 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो इसका हम लोग यदि हम डायमीटर की बात करते हैं टोटल, तो 9 to 11 डायमीटर होता है किसका, नैनोमीटर। डायमीटर किसका होता है, हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड का। इन कुछ आपके वायरस होते हैं जो ह्यूमन कोरोना वायरस, जैसे OC43, HCoV, OC43, ये वायरस का नाम होता है। एंड द थर्ड ग्लाइकोप्रोटीन HE65 डेल्टा, एंड दैट कॉज हीमोएग्लूटिनेशन एंड हैज स्टिल स्टोरेज एक्टिविटी। जैसे यहाँ पे देखा, ये आपका स्टोरेज एक्टिविटी है, यहाँ पे क्या होगा, एसिटिल स्टोरेज एक्टिविटीज आपके आ जाएगा। यहाँ पे कुछ वायरस में होते हैं, जैसे वायरस का क्या नाम है, ह्यूमन कोरोना वायरस OC43, ये वायरस का नाम है। जो कुछ वायरस में होते हैं जो आपके क्या होते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन, एक थर्ड ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जैसे आपके ग्लाइकोप्रोटीन आपके हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन, उसमें थर्ड ग्लाइकोप्रोटीन भी क्या होंगे आपके पाए जाएंगे। और उसमें जैसे आपके जो एंजाइम है, ये आपके क्या होते हैं, अनदर एंजाइम स्टिल स्टोरेज एक्टिविटी भी क्या होगा यहाँ पे पाएगा। तो इसका जो आपके स्ट्रक्चर होगा एग्जैक्ट ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ आपके अनदर डिफरेंट पार्ट क्या हो जाएंगे आपके आइडेंटिफाई किए गए पाए जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ जीनस जीनस कोरोना वायरस। अब यदि हम लोग बात करते हैं कुछ आपके कोरोना वायरस के कुछ जीनस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांसमिसिबल गैस्ट्रो इंटरस्टिटिस वायरस, ये वायरस का नाम है। इट इज हाईली कंटाजिनस डिजीज ऑफ स्वाइन। ये स्वाइन का क्या है, हाईली कंटाजियस डिजीज होता है। क्लिनिकल साइन, इसमें जो साइन होता है, जो सिम्टम आपको होता है, ये वायरस बॉडी में इंटर हो जाए तो उसका क्या है सिम्टम होता है, सबसे पहले ओमटिंग, डायरिया, वेट लॉस एंड डिहाइड्रेशन, ये उसका क्या है कॉमन आपके सिम्टम होते हैं यदि आपके बॉडी में ये वायरस का आपका इंटर हो जाए। डिजीज इज मोर सिवियर केस इन यंग पिगलेट। द वायरस इन्फेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द इंटीरियर साइट एंड इंटेस्टाइन एंड विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ म्यूकोसल सर्विस। यदि आपका वायरस इन्फेक्ट हो जा रहा है तो ये इन्फेक्ट क्या करता है, आपको डिस्ट्रॉय कर देता है। किसको, जो इंटेस्टाइनल जो आपके मेम्ब्रेन होते हैं, विलाइस होते हैं, उनको क्या करता है, डिग्रेड कर देता है, लॉस कर देता है। अब यदि लॉस हो जाएगा तो कहने के क्या हो जाएगा, आपके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या हो जाएंगे, डिसऑर्डर होना चालू हो जाएंगे, जो ये सिम्टम आपको यहाँ पे शो किया गया। हम इसको कैसे मेजर करते हैं, ये आपके द मेजर पैथोलॉजी रिस्ट्रिक्टेड टू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से ही हम लोग क्या करते हैं, ये पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं कोरोना वायरस का, दूसरा आपका बात करें फिलाइन इंट्रिक कोरोना वायरस। ये आपके अनदर मेंबर होते हैं कोरोना वायरस के। इट द सिस्टमैटिक एंड फेटल डिजीज ऑफ कैट। एक कैट की हम लोग बात करते हैं, कैट में आपका होता है डिजीज। इसका क्लिनिकल साइंस होता है, पहले आप हम बात करते हैं, जैसे फीवर हो जाना, ठीक है, लॉस ऑफ एपिटेट और वेट लॉस। एक कैट में पाया जाता है कि जब आपको ये वायरस बॉडी में एंटर हो जाएगा तो वहां पे कहीं ना कहीं आपके ये सिम्टम क्या हो गया, आपके अपीयर होंगे। और ये क्या कॉज करते हैं, कुछ टाइम में पाया गया कि ये आपके न्यूरोलॉजिकल साइन भी होते हैं, आपके कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स को भी डैमेज करते हैं, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट भी आ जाते हैं। और वायरस रिप्लिकेट करता मोस्टली इन मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज, जो आपके सेल होते हैं मैक्रोफेज मोनोसाइट जो आपके इम्यूनोलॉजिकल सेल होते हैं, उनमें क्या करता है, वायरस जाकर के वहां पे रिप्लिकेट करता है। इसी कारण क्या है, उसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होना चालू हो जाता है और उनकी इम्यूनिटी भी काफी क्या होती है, वीक हो जाती है। कब, जब हमारे कैट में जो होता है ये आपके डिजीज क्या हो जाए, वायरस क्या हो जाए, आपके इंटर हो जाए। थर्ड की हम लोग बात करते हैं, वायरस की बात करते हैं, एवियन इन्फेक्टियस ब्रोंकाइटिस वायरस। ये आपके क्या है, आपके वायरस का नाम होता है। इसको हम लोग बात करते हैं, इट द रेस्पिरेटरी डिजीज ऑफ पोल्ट्री। ये आपके जो मुर्गी पालन होता है वहां पे जनरली आपको पाया जाएगा। इसका मेन सिम्टम क्या है, ये वायरस क्या होते हैं, पोल्ट्री या फॉर्म होता है, मुर्गी पालन होता है वहां पे डिजीज होते हैं। ये रेस्पिरेटरी टाइप की क्या है, डिजीज है। इसका सिम्टम क्या है, जैसे कफिंग आना, गैस्पिंग, रेस्पिरेटरी रेल्स एंड डिसपोनिया हो जाना, ये देखा ये उनका क्या है सिम्टम आपके होते हैं। इसका मेन सिम्टम होता है रेस्पिरेटरी इफेक्ट आ जाना। इनका क्लिनिकल साइन आपका होता है विसलगोट, निफ्रिटिस एंड चेसी एग्जीक्यूट इन द ट्रेकिया। इसमें क्या होते हैं, बर्ड जो होते हैं
ये बर्ड क्या होते हैं, बर्ड में डेवलप द सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये जो वायरस होते हैं यदि आपके बर्ड पे इन्वेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी क्या होते हैं, आपके सेकेंडरी क्या होते हैं, डेवलप होना चालू हो जाए। तो देखा जाए वायरस जब बर्ड में एंट्री हो जाता है पोल्ट्री में मुर्गी में, तो देखा जाए कहीं ना कहीं इस टाइप के क्या होते हैं आपके सिम्टम वहाँ पे अपीयर होते हैं। चौथे की हम लोग बात करते हैं माउस हेपेटाइटिस वायरस। माउस हेपेटाइटिस वायरस जो होते हैं जो किस पे इन्फेक्ट करते हैं, माइस पे। तो माउस हेपेटाइटिस वायरस जो कॉजिव एजेंट ऑफ एंट्रिक इन्फेक्शन इन इन्फेंट माइस, जो आपके माइस के इन्फेंट होते हैं उनमें क्या होता है ये वायरस आपका इन्वेट करता है और उनके डिजीज कॉज करता है। इट इज अ हाईली कंटाजियस वायरस ऑफ माइस एंड मोर्टलिटी मे बी अप्रोक्स 200% इन द virulent outbreak case। इसमें identify किया गया पाया गया है कि जब ये वायरस किसी माइस में इंटर हो जा रहा है तो उसमें देखा जाए nearly 100% जो आपके हो रहे हैं माइस आपके क्या हो रहे हैं, डेथ हो जाते हैं। इसका सिम्टम की बात करें क्यों डेथ हो जाते हैं, क्योंकि सिम्टम क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब होता है वाटर का लॉस हो जा रहा है, और वाटर देखा जाए लॉस हो जाएगा तो क्या जाएगा, इससे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा आपका जो माइस है वो क्या जाएगा आपका डेथ हो जाएगा, क्योंकि उसका जो इंटेस्टाइन है यदि वाटर एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा तो कहीं ना कहीं उसके इंटेस्टाइनल वीवर क्या हो जाएंगे आपके समाप्त हो जाते हैं। तो ये आपके क्या है, आपके इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो आपके किससे होते हैं आपके इस वायरस से, माउस हेपेटाइटिस वायरस। तो ये काफी आपके डेंजरस आपका वायरस होता है। ये भी क्या है, एक प्रकार की फैमिली होती है किसका, कोरोना वायरस का। अब हम जीनोम की बात करने चले, कोरोना वायरस की जीनोम के लिए हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करें तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम आप SARS को कोरोना वायरस 2। अब इसका देखा जाए इसका आपका जीनोम की साइज कितनी है, नियरली 30 किलो बेस पेयर। देखा जाए यहाँ से हम बात करें यहाँ तक, देखा ये पूरा आपका क्या है आरएनए मॉलिक्यूल होता है। अब देखा जाए आरएनए मॉलिक्यूल का हर एक पार्ट एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को क्या करेगा आपको, आपको क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे देखा ये जो आपका पार्ट है आरएनए का, आरएनए का ये जो क्या क्या फॉर्म करता है पेपाइन लाइक प्रोटीएज, ये एंजाइम क्या करेगा, ये आपका आरएनए मॉलिक्यूल प्रोटीन को सिंथेसाइज कर देगा। ये आपका पार्ट है आपका कोरोना वायरस को जो क्या फॉर्म करेगा 3CL प्रोटीएज एंजाइम, ये प्रोटीन एंजाइम क्या करेगा यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा ये जो आपका आरएनए मॉलिक्यूल है। यहाँ पे देखा ये जो ब्लू कलर में लाइट ब्लू डार्क ब्लू आपका कलर जो शो हो रहा है, यहाँ पे देखा ये पूरा जो एंजाइम है जो आपका ए एंजाइम जो आपका है डार्क लाइट है ब्लू का, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है रिप्लिकेज एंजाइम। रिप्लिकेज एंजाइम क्या करता है, जो रिप्लिकेशन में क्या होता है इन्वॉल्व होता है। ये आपका पार्ट है जो क्या सिंथेसाइज करता है एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम सिंथेसाइज करता है। ये जो आपका पार्ट हम लोग आरएनए की हम लोग बात कर रहे हैं आरएनए जीनोम की, तो यहाँ पे आपके क्या फॉर्म होते हैं इंड्रो राइबो न्यूक्लिएज एंजाइम क्या करेगा यहाँ पे आपका प्रोड्यूस करेगा। कौन सा बेस पेयर, ए बेस पेयर देखा जाए 19621 बेस पेयर से लेकर के 20658 इन इस बिटवीन का जो बेस पेयर, ये देखा जाए बेस पेयर का बिटवीन है, ये बिटवीन का जो बेस पेयर होता है न्यूक्लियोटाइड का जो क्या करता है एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। और लास्ट की बात करते हैं 21563 न्यूक्लियोटाइड माने बेस पेयर से लेके 25384 बेस पेयर के इन बिटवीन, ये जो आपका इन बिटवीन का जो बेस पेयर होता है वो किसको संदर्भित करता है स्पाइक को, ठीक है। S1 S2 माने स्मॉल और लार्ज दोनों क्या करता है आपको। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, ये जो आपका जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम है आपके कोरोना वायरस का, तो ये पूरा जो जीनोम है देखा जाए हर एक पार्ट क्या करेगा कि जीनोम का हर एक पार्ट क्या करेगा एक प्रोटीन को क्या करेगा सिंथेसाइज करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दिस इज नोन एज कोरोना वायरस जीनोम। एक कोरोना वायरस का जीनोम होता है जो हर एक क्या करता है प्रोटीन को क्या करता है यहाँ पे सिंथेसाइज करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके स्ट्रक्चर है कोरोना वायरस जीनोम और मोनोपर्टेट सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस पॉली एनाइलेटेड एंड कैप्ड आरएनए रेंजिंग फ्रॉम 27 to 32 किलोबेस पेयर इन लेंथ। अब देखा जाए कोरोना वायरस का जो जीनोम की हम लोग बात करें, सबसे पहले क्या बोलते हैं ये सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस होते हैं, पॉली एनाइलेशन होता है, जैसे 3' पे क्या है पॉली एनाइलेशन एड होता है, और 5' पे क्या होता है एक कैप्ड आरएनए मॉलिक्यूल होता है जिसका रेंज कितना है 27 to 32 किलोबेस पेयर होता है। जिसमें 5' की हम लोग बात करते हैं, 5' की हम बात करें 20 to 22 किलोबेस पेयर जो कैरी करता है रिप्लिकेज जीन को क्या करता है कैरी करता है,
जहां पे आपके क्या करते हैं रिप्लिकेज एंजाइम क्या करता है वहां पे सिंथेसाइज करता है। और रिप्लिकेज जो जीन होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं टू डिफरेंट टाइप टू विद इन टू वेरी लार्ज ओपन रीडिंग फ्रेम ORF आपके प्रोड्यूस करते हैं। ये जो होता है आपको प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या होता है आपका इन्वॉल्व होता है। द ऑर्डर ऑफ द जीन इन इनकोडिंग द वायरल RNA डिपेंड ऑन RNA प्रोटीन। अब देखा जाए हम जब RNA से प्रोटीन RNA की हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम वर्क करता है RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज जो क्या करते हैं आपके आपके ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के थ्रू जो आपके प्रोटीन एंजाइम बनते हैं उसके पार्ट बनते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फोर स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होता है फॉर्म होता है कौन कौन से स्पाइक इनवलप मेम्ब्रेन प्रोटीन और न्यूक्लियोकैप्सिड। ये आपके क्या होते हैं आपके ये सभी क्या होते हैं आपके प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं बच्चों यस ई एम एन ये सीक्वेंस होता है यस ई एम एन। यस का मीनिंग क्या हो गया इनवलप ई का तब होगा मेम्ब्रेन इनवलप होगा यस मीन्स द स्पाइक ई मतलब इनवलप एम मीन्स मेम्ब्रेन और एन मीन्स होता है न्यूक्लियोकैप्सिड। तो ये देखा जाए जो आपका कोरोना वायरस का जो जीनोम होता है ये 27 टू 32 किलो बेस पेयर में इसमें आपके क्या होते हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या होते हैं आपके सिंथेसाइज होते हैं जो RNA पॉलीमरेज क्या करता है उसको सिंथेसाइज करता है। अब कोरोना वायरस की जीनोम की हम लोग बात करते हैं इसमें देखा जाए आपके एडिशनल ORF मतलब होता है इनकोड टू और फोर नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो आपके क्या होते हैं अननोन आपके हैं भी उसके फंक्शन नोन है। तो इसमें देखो कोरोना वायरस के अनदर जो जीन होते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट नॉन फंक्शनल प्रोटीन भी क्या करते हैं आपके प्रोड्यूस करते हैं। हम जीनोम की यदि बात कर रहे हैं उसके तो उसमें देखा जाए एक कॉमन इंटरजेनिक सीक्वेंस जिसको कहते हैं IS ऑफ द 7 बेस आर इज फाउंड एट द 5 प्राइम एंड ऑफ द जीन। जो भी आपका 5 प्राइम जो आपका जीन का जो एंड है 5 प्राइम पे क्या होता है ये आपका सीक्वेंस क्या होता है पाया जाता है। ये सीक्वेंस का मेन वर्क होता है कि ये क्या करता है एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सब जीनोमिक RNA। तो सब जीनोमिक RNA के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है IS सीक्वेंस क्या है आपका इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें हम लोग बात कर रहे हैं जो कोरोना वायरस इन्फेक्ट सेल कंटेनिंग मल्टीपल ओवरलैपिंग सब जीनोमिक कैप्ड एंड पॉलीनाइडेटेड RNA विद ए कॉमन 3 प्राइम एंड। जो कोरोना वायरस जो आपके किसी भी होस्ट पे इन्फेक्ट करता है तो उसमें देखा जाए मल्टीपल ओवरलैपिंग सब जीनोम होते हैं कैप्ड होता है और जीनोम क्या है कैप्ड है पॉलीनाइलेटेड आपका RNA मॉलिक्यूल होता है जो 3 प्राइम। तो ये देखा जाए ये आपका जो जो वायरस कोरोना वायरस का जो जीनोम होता है ये क्या है हाईली कॉम्प्लेक्स आपके होते हैं। इसकी हम लोग बात करते हैं जो कोरोना वायरस की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसमें कहता है ट्रांसलेट कर क्या करता है प्रोटीन क्या करता है इनकोड करता है। अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर में डिस्कस किया है कि कौन कौन से जीनोम के कौन कौन से जो पार्ट होते हैं किस सीक्वेंस से लेकर के किस सीक्वेंस तक जो होते हैं कौन कौन से प्रोटीन फॉर्म करते हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब इंपॉर्टेंट होता है कैसे रिप्लीकेट होता है देखा जाए हम रिप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। देखिए कोरोना वायरस से आपका है आउटसाइड है ये सबसे पहले आपके बॉडी में क्या होता है इंटर होता है। जब इंटर हो जाता है तो ये देखा जाए ये आपका रिलीज कर देता है किसको ये आपके RNA मॉलिक्यूल को। जब RNA पॉजिटिव सेंस RNA मॉलिक्यूल आपके साइटोप्लाज्म में चला गया तो वहां पे राइबोसोम से क्या करता है बाइंड कर लेता है। जब राइबोसोम से बाइंड करके वायरल पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है वायरल पॉलीमरेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है। और ये RNA क्या होते हैं आपके आपके रिप्लीकेट करके क्या होते हैं आपके जीनोम को क्या करते हैं सब जीनोमिक RNA मॉलिक्यूल में क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें देखा जो RNA जो जीनोम आपका है वो क्या हुआ यहाँ पे सब जीनोम में क्या हुआ आपका कन्वर्ट हो जाता है मतलब रिप्लीकेट हो जाता है और उसका हर एक जीनोम का एक पार्ट होगा एक स्पेसिफिक पार्ट को क्या करेगा वायरस को क्या करेगा। अब देखा जाए वायरस के पार्ट क्या हुए जब रिप्लीकेशन हुआ तो जो उसका जो जीनोम होता है वायरस का और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की क्या करता है सिंथेसिस करता है ये साइटोप्लाज्म में करेगा। जब सिंथेसिस आपका हो जाता है तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ आपका देखा ये आपका मॉलिक्यूल की क्या होती है वायरस की मॉलिक्यूल की क्या होती है यहाँ पे सिंथेसिस हो जाती है मेम्ब्रेन की स्पाइक की इनवलप की ठीक है। तो ये देखा जाए सभी चीजें क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन पे क्या होता है सिंथेसिस। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका स्पाइक है मेम्ब्रेन प्रोटीन है और इनवलप है ये आपके साइटोप्लाज्म के किस सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन पे सिंथेसिस होती है तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मेम्ब्रेन होता है
उसी पे क्या होता है इनकी सिंथेसिस होती है। जब सिंथेसिस होकर क्या होता है, ये आपके देखा जाए जीनोम न्यूक्लियोप्रोटीन ये क्या होता है यहाँ पे असेंबलिंग हो जाती है। असेंबलिंग होकर के क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे वायरस आपका सनसाइज आपका हो जाता है। वायरस जब डेवलप हो जाता है, डेवलप होकर के क्या होता है मेच्योर आपका क्या है आपका वीरियंस बन गया। जब ये मेच्योर वीरियंस बन गया तो क्या होता है ये आपके सेल से कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। जब सेल से बाहर जाएगा तो क्या करेगा अनदर हेल्दी सेल को क्या करेगा इन्फेक्ट करेगा। तो इसमें देखा जाए ये आपके क्या होते हैं कोनोवायरस का क्या होता है रिप्लिकेशन होता है। तो रिप्लिकेशन कैसे होगा आपको क्लियर हो गया पॉइंट कैसे हुआ। सबसे पहले क्या होता है एंट्री होता है एंड उसका हम इन्फेक्शन की बात करें सबसे पहले क्या होता है होस्ट के अंदर एंट्री होगा अनकोडिंग हो जाता है। जो जीनोमिक आरएनए जो होते हैं ये आपके साइटोप्लाज्म के इंफॉर्मेशन को राइबोसोम को यूज करते हैं और वहां पे क्या करते हैं आपके प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या है मेम्ब्रेन प्रोटीन आपके बनते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन जो आपके बन जाते हैं वो क्या होते हैं बाद में उनकी क्या होती है आपकी असेंबलिंग होकर के क्या होता है एक वायरस बना देता है और वो वायरस क्या करता है अगेन हेल्दी सेल को क्या करेगा इन्फेक्ट करता है। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कोरोनावायरस इन्फेक्शन साइकिल के। तो ये आपके क्या होते हैं टोटली क्या होते हैं आपके इन्फेक्शन साइकिल आपके होते हैं जो मैसेंजर आरएनए आर ट्रांसलेटेड बाय होस्ट राइबोसोम इनटू वायरल प्रोटीन। जो आरएनए जो होता है आपका ट्रांसलेट हो जाएगा आपका होस्ट प्रोटीन में जो आपके वायरल प्रोटीन डेवलप कर देते हैं और ये आपके क्या करते हैं आपस में लिंक हो जाते हैं। लिंक होके क्या करते एक आपका वायरस यहाँ पे प्रोड्यूस कर देते। तो ये अभी आपका स्ट्रक्चर क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे आपका उनका रिप्लिकेशन होता है। अब इंपॉर्टेंट होता है किसी को यदि आपको कोविड हो गया है कोरोना वायरस हो गया तो उसको हम लोग कैसे लैब में डायग्नोसिस करते हैं। तो डायग्नोसिस करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेटरी सेक्रेशन यूज करते हैं। स्टूल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं आपके वायरस को हम लोग आइसोलेट करते हैं। अब वायरस को आइसोलेट हम लोग करते हैं हिपेटोमा सेल लाइन HUH7 ये आपके क्या होते हैं रिसेंटली जो आपके क्या है ये आपके वायरस जो आपके सेल लाइन होते हैं इससे वायरस के क्या है इजीली आपका डायग्नोसिस हो जाता है डायरेक्टली। दूसरा आपका होता है वायरस को हम डिटेक्ट करते हैं RT-PCR से तो सबसे कॉमन आपका है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं निगेटिव स्ट्रेन टेक्निक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं इंटीरियर कोरोना वायरस का। या आपके सबसे इंपॉर्टेंट रैपिड टेस्ट भी हम लोग करते हैं जैसे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन एलाइजा ऐसे इम्यूनोफ्लोरेसेंस या वायरस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट ये सब आपके टेस्ट होते हैं इसको क्या कहते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं इस वायरस को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये भी देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट आपके टेस्ट होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं वायरस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं जिसमें वायरस आइसोलेशन हम यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक गेट में भी आया जा सब पूछा जा सकता है कि जब हम कौन सा सेल लाइन यूज करते हैं जो प्राइमरी आपकी कोई भी वायरल इन्फेक्शन है वायरस कोरोनावायरस बॉडी में चला गया तो कैसे हम लोग उसको आइसोलेट करते हैं। तो आप लोग कौन सा सेल लाइन यूज करते हैं ह्यूमन हिपेटोमा सेल लाइन इसी से हम लोग क्या करते हैं आपके जो प्राइमरी आइसोलेशन हम लोग करते हैं किसका आपके वायरस का। सेकंड आपका RT-PCR वेल नोन है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और रैपिड टेस्ट में हम लोग एलाइजा टेस्ट या आपके वायरस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट या आपके इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं डिटेक्शन के लिए। सीरोलॉजिकल जो टेस्ट होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है रैपिड आपको क्या करते हैं वो हम लोग आइडेंटिफाई लोग कर सकते हैं। अब देखा यदि आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं जो फर्स्ट ट्रीटमेंट इज द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज करते हैं मीन्स क्या है आपके बॉडी में एंटीबॉडी का जनरेशन करते हैं और बहुत से अनदर ट्रीटमेंट के लिए आपके बहुत से मेडिसिन भी क्या है आपके मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जब आपको कोरोना हो जाता है तो एंटीवायरल मेडिसिन हम लोग क्या करते हैं उसको हम लोग देते हैं इनका हम लोग मार्केट में इस बार देखे हैं उसका क्या यूज है। जैसे हम लोग बात करते हैं आपका देखा जाए ये आपके मेडिसिन आपको होते हैं ट्रीटमेंट अवेलेबल आपके होते हैं सोटोमा विमैब ये भी आपके मेडिसिन होते हैं रेमडेसिविर ये आपका क्या है पॉपुलर मेडिसिन था एंटीवायरस के लिए हम लोग क्या करते यूज करते हैं। ये भी देखा जाए आपका एंटीवायरल आपका होता है मोलनुपिरावीर ये आपके क्या है आपके एंटीवायरल होते हैं। तो ये देखा जाए सब क्या है एंटीवायरल मेडिसिन आपके होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं किसमें आपके कोरोना वायरस के लिए। अभी पॉइंट जो है इसके लिए वैक्सीन भी डेवलप किए गए कोरोना वायरस के।
तो देखा जाए पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आपके कंपनीज हैं जिन्होंने क्या किया, आपके कोरोना वायरस के वैक्सीन को क्या किया, डेवलप किया, जिसको अप्रूव किया यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी आपको अप्रूव किया। जैसे जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन, इन्होंने क्या किया, एफडीए अप्रूव्ड कोविड वैक्सीन आपके डेवलप किया, जिनका आपका जो यदि कोरोना होगा तो उसके अगेंस्ट क्या किया था, वर्क करता था, ठीक। उससे कहना कि डेथ रेट भी आपका काफी कम हुआ, तो हाईली इफेक्टिव आपका क्या है, ये आपका वैक्सीन है, कोरोना वायरस वैक्सीन आपका है। यहाँ पे देखा जाए कुछ हम कंपनी की नाम ले रहे हैं यहाँ पे, जो आपके वैक्सीन डेवलप किए गए, अप्रूवल टेस्ट हुआ, और उनके कौन सोर्स हैं, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडिया की कंपनी है जो को वैक्स ये आपके क्या है वैक्सीन का आपका डेवलप किया गया, ये 47 कंट्री में अप्रूव्ड हुआ है, अभी कुछ कंट्री में ट्रायल चल रहा है, इसका आपका सोर्स यहाँ पे दिया गया है EDSCO, भारत बायोटेक एको वैक्सीन इन्होंने डेवलप किया है, इसका अभी आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल होता है, जो 14 कंट्री में क्या हुआ, इसका अप्रूवल हुआ, 10 कंट्री में अभी मॉनिटर ट्रायल आपका चल रहा है। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट अदर कंपनी आपके हैं जो कोरोना वायरस की कंपनी है, जो आपके कोरोना वायरस आपके डेवलप किए हैं, जैसे आपका मोडर्ना कंपनी है, ये आपके वैक्सीन बनाया गया है, जो आपके यहाँ पे देखा जाए ये लार्ज अमाउंट में इंडस्ट्री में क्या है आपके अप्रूव, तो ये आपके क्या है डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है जो क्या करते हैं आपके कोरोना वैक्सीन डेवलप किए हैं, जिनका लार्जली क्या किया गया, यूज किया गया। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक्सेस किसी एक बच्चे के लिए अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सार्स पैथोजेनेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।